पुस्तक लोकार्पण और अभिनंदन समारोह मैं ठीक 1 बजे तक के लिए आपको एंगेज करने का वचन देता हूँ। मैं अपनी औपचारिक ढंग से बात शुरू करूँ। आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी, मैं जब उन्होंने यहाँ प्रवेश किया उनसे कुछ परिहास के या विनोद के अंदाज में जो बात मैंने कही थी उसे दोहराना चाहता हूँ। उनका जन्मदिन 16 सितंबर अर्थात कल था। हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर डॉक्टर अहिल्या मिश्र का जन्मदिन मना रहे हैं। एक्सटेंशन है हाँ? और मैं तो चाहता हूँ ये जन्मदिन रोज रहे, रोज़ रोज़ रहे, जैसा शिल्पी ने बहुत सुंदर आरंभ में, हम सब शामिल हैं कि आप शतायु हों और शतायु से अतिरिक्त हमारे यहाँ एक और शब्द चलता है जिसे हम दिव्यायु कहते हैं। आप दिव्यायु हों अर्थात 100 वर्ष से अधिक जिए। कादम्बिनी क्लब हैदराबाद का यह आयोजन है और कादम्बिनी का एक सूत्र वाक्य हुआ करता है, आकल्पम कवि नूतनाम्बुदमयी कादम्बिनी वर्षतु, और उसके साथ ही एक शुभकामना होती है कि जिए सुखी 100 वर्ष। हम कहेंगे आप 100 वर्ष से अधिक जिए, दिव्य आयु प्राप्त करें। तो आज के इस आयोजन के अध्यक्ष परम आदरणीय बंधु डॉक्टर शिव शंकर अवस्थी जी, जो राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं और लेखकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहते हैं, ऐसे एक विद्वान को और साहित्य प्रेमी को और हिंदी सेवी को आज के इस आयोजन में अध्यक्षता के रूप में प्राप्त करके हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। अब 2-4 बातें पुस्तक के बारे में। निश्चय ही यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि इस पुस्तक में आखिर 600 पेज में इन 75 वर्षीय बालिका के लिए क्या क्या लिखा गया होगा, इनके बारे में क्या क्या लिखा गया होगा, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। आपकी वह जिज्ञासा बढ़े, बस मैं इतना ही परिचय दूंगा, उससे अधिक परिचय नहीं दूंगा। यानी कोई समीक्षा वमीक्षा नहीं, बल्कि बहुत सहज सी परिचयात्मक चर्चा मैं करने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। प्रवीण प्रणव जो इसके प्रथम संपादक हैं, वो रामचरितमानस के और तुलसी के बड़े प्रेमी हैं। शायद अगर तुलसी की कोई अर्धाली न मिले तो वो सांस को अंदर लेके अंदर ही रोके रह जाएं। तो अब उनके सामने समस्या आई होगी कि वट वृक्ष की छांव अहिल्या जी को समर्पित करते समय किन पंक्तियों का प्रयोग किया जाए। तो जो एक प्रकार से इस ग्रंथ का समर्पण वाक्य है, देखिए कहां से आता है, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। आप सुंदरकांड का पाठ बहुत लोग प्रतिदिन करते हैं, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो हुतात बल सील निधाना, और अगली जो अर्धाली है उस पर ध्यान दें, अजर अमर गुण निधि सुत हो हु, अजर अमर गुण निधि अहिल्या हो हु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। आप अजर अमर गुण निधि हो, आपकी कृतियां अजर अमर गुण निधि हो, आपकी कीर्ति अजर अमर गुण निधि हो, यह कामना
हम करते हैं भगवान राम के दरबार में, और भगवान राम से आपको यह प्रेम, यह आशीष, यह स्नेह मिले। करहीं बहुत रघुनायक छोहू, करहीं बहुत रघुनायक छोहू। एक प्रकार से आप ये समझें कि मैं पुस्तक के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक अभिनंदन वक्तव्य दे रहा हूं आप सबकी ओर से। अब इस की जो परिचयोक्ति है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपादकों ने, इसके लिए आशा जी और प्रवीण जी बड़े बधाई के पात्र हैं, किस तरह से, केवल ऐसा नहीं है कि लेख आ गए और वो एक थाली में रख के परोस दिए, वो जो छंटाई है वो अपनी जगह है, लेकिन आप देखें जो प्रस्तुतिकरण है उसमें आरंभ में अहिल्या जी की एक कविता दी गई है जो उनकी परिचयोक्ति है। मैं उसका केवल पहला और अंतिम वाक्य पढ़ूंगा आपके लिए। वह परिचयोक्ति है, मैं कोई प्रेम कविता नहीं। जो लोग इस बात के लिए प्रायः मेरी खिंचाई किया करते हैं कि अहिल्या जी आपसे बहुत प्रेम कविताएं सुनने के लिए कहा करती हैं, हाँ वो सुन लें कि वो सुन लें कि मैं कोई प्रेम कविता नहीं। और अंतिम वाक्य है, लावासी खोलने लगी हूं मैं, जी हां अब तो बोलने लगी हूं मैं। जी हां, ये अहिल्या नहीं है, ये न वो अहिल्या है, न सिर्फ ये अहिल्या है, यह तमाम स्त्री जाति है। और वह स्त्री जाति 21वीं शताब्दी के सीने पर खड़ी होकर के उद्घोष कर रही है कि मैं कोई प्रेम कविता नहीं, लावासी खोलने लगी हूं, हां जी हां अब तो मैं बोलने लगी हूं, अब तो मैं बोलने लगी हूं। आप समझ सकते हैं कि इस ग्रंथ का एक प्रमुख स्वर या केंद्रीय स्वर यही है कि अहिल्या कोई गुड़िया का नाम नहीं, अहिल्या किसी प्रस्तर प्रतिमा का नाम नहीं, अहिल्या एक बोलने वाली महिला का, लेखिका का, और इस देश के अपने समकाल की समस्त स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कलम का नाम है। अब देखिए एक और चीज मुझे बड़ी सांकेतिक लगी इसमें, कि इसके आरंभ में आमतौर से अभिनंदन ग्रंथों में लोग शुरू में बहुत सारे संदेश दिया करते हैं, बहुत सारे संदेश हुआ करते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में केवल एक संदेश है आरंभ में, और पता है वो किसका है? वो देश के स्वास्थ्य मंत्री का है। आप स्वस्थ रहें इसलिए है, आप 100 साल से ज्यादा जिए इसलिए है, स्वास्थ्य मंत्री का है भाई संदेश। तो ये एक अपने आप में संकेत है कि स्वास्थ्य मंत्री ने आपको शुभकामना संदेश दिया है। मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, आप समझ लें। और इसके बाद यहां एक संपादकीय, कृपया थोड़ी देर बात ना करें और आगे की पंक्तियों वाले तो बिल्कुल ना करें। यादों के कट घरे से एक दूसरा संपादकीय आशा मिश्रा मुक्ता ने लिखा है। मैं सोच रहा था हम यादों के झरोखे का प्रयोग तो बहुत सुनते आए, ये आशा जी कटघरे की बात क्यों कर रही हैं? ये आशा के लिए यादें कटघरा क्यों हो गई हैं? फिर मुझे याद आया कटघरे में खड़े होने का अर्थ होता है कि हम यह कहकर बोल रहे होते हैं, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इसलिए ये यादों का कटघरा का प्रयोग मुझे बड़ा सार्थक लगता है। आशा मिश्रा मुक्ता, आपको बधाई। आदरणीय मित्रों, इस पुस्तक में जो आलेख हैं, जैसा मैं कह रहा था कि आलेख आ गए और उन्हें एक बाल्टी में भर के सानी बनाकर के सामने रख दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि उनका विधिवत संपादन किया गया है और उन्हें अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, और इस तरह 5 खंड बने हैं इन लेखों के। पहला खंड है
जिसका नाम है, जिसका विषय तो है साक्षात्कार, और उसे साक्षात्कार का अर्थ है अहिल्या मिश्र जी के अलग अलग लोगों द्वारा, 6 लोगों द्वारा लिए गए साक्षात्कार, जिनमें से एक हमारे सामने यहाँ बैठी हुई हैं उषा रानी राव जी भी। तो 6 लोगों के द्वारा लिए गए अलग अलग साक्षात्कार पहले खंड में शामिल हैं, और इसका बहुत सुंदर शीर्षक ये प्रतिज्ञा है। यहाँ से हम जब प्रवेश करते हैं इस ग्रंथ में, तो अब हम पहली प्रतिज्ञा देख रहे हैं, सत्यम वदामि। इन्हें हम रिश्तेदार कहा करते हैं, निकट के रिश्तेदार कहा करते हैं। हम आत्मीय संबंध नाम के इस दूसरे खंड में 18 क्लोज रिलेटिव्स के या फैमिली रिलेटिव्स के जो है एक तरह से उद्गार शामिल किए गए हैं। बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, ये भी एक प्रकार का इसे कहें कि शुभ वाक्य है, और लक्ष्य है कि यह प्रेम बना रहे, बढ़ता रहे। बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, और इस क्लोज फैमिली, क्लोज रिलेशंस या फैमिली रिलेशंस के बाद आती है अहिल्या जी की एक्सटेंडेड फैमिली। और ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है, ये कादंबिनी क्लब से और नवजीवन से, इस परिसर से लेकर के पूरे हैदराबाद, पूरे दक्षिण भारत, पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर तक फैली हुई है। अहिल्या मिश्र जैसे लोग ही तो वह उदार चरित्र वाले लोग होते हैं, जिन्हें जिनके लिए वसुधैव कुटुंबकम चरितार्थ होता माना जाता है। तो जो इनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, जो विस्तृत परिवार है, उस पर 2 खंड इस ग्रंथ के एक तरह से समर्पित किए गए हैं। सामाजिक पक्ष मैं कहता आखिर की देखी, जिसमें निकट के लोगों ने इस एक्सटेंडेड फैमिली के आप जैसे तमाम सदस्यों ने अहिल्या जी को किस रूप में देखा है, इसका विवरण संस्मरणात्मक दिया है। और 4 खंड में साहित्यिक संस्मरण है, और उसे बड़ा रचनात्मक शीर्षक आशा जी और प्रवीण जी ने दिया है, यादों की पुरवाई। ये जो यादों की पुरवाई है, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक प्रकार से जो उनके परिवार का एक्सटेंडेड फैमिली का लिटरेरी सर्कल है, मुख्यतः है, वह इसमें शामिल है। जबकि पहले वाले में जो अन्य समाज और राजनीति और शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए उनके परिचित और मित्रगण और आत्मीय हैं, उनके संस्मरण उसमें है। शिक्षा, संस्कृति, खेल तथा कला के क्षेत्र में तेलंगाना के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योगदान है, उसको बड़ा सुंदर तरीके से परिचय देते हुए आपने यहाँ के बुनालू, बतुकम्मा, पोंगल, उगादि, यात्रा का परिचय दिया है। साथ ही कला संगीत की जो जीवंतता बुर्रा कथा के रूप में आपको प्राप्त होती है, इसका भी बड़ा सुंदर विवेचन आपने इस अध्याय में किया है। यहाँ की भूगोल, लोक जीवन, संत श्रृंखला, आप सबको पता है कि मध्यकाल, हिंदी साहित्य का मध्यकाल, उस संत परंपरा को दक्षिण का कितना बड़ा योगदान है, कितनी बड़ी देन है, उसका भी जिक्र आपने किया है। तेलुगु भाषियों की त्रिलंगा की भौगोलिक विवेचना आपने बड़ी सुंदर की है। तेलंगाना के जनजातीय परिचय को उसके रहने के स्थान के अनुसार विवेचित किया है। राज्य की जनता के जो रहन सहन, खान पान, उसको भी आपने एक औषधीय रूप में, स्वास्थ्य संवर्धनकारी रूप में प्रस्तुत किया है। तो ज्ञानवर्धक आपका यह पाठ है, जिसमें आप ये कहते हैं कि उत्तर दक्षिण सिर्फ भाषा से नहीं, कैसे खान पान से एक दूसरे से जुड़ता है। तेलंगाना प्रदेश की, आपके ही वाक्य है, तेलंगाना प्रदेश की उत्तर भारत और दक्षिण भारत की खूबियों का परिचय हमें अपने भोजन, नृत्य पर्वों द्वारा मिलता है। यहाँ का गारीजेलू उत्तर भारत की गुजिया से प्रेरित है। आप सब लोग गुजिया के स्वाद से वाकिफ होंगे। तेलंगाना के पारंपरिक वस्त्रों, हस्तशिल्प का उल्लेख करते हुए कहती हैं,
तेलंगाना की जनजातियाँ अपनी कढ़ाई हथकरघे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोक जीवन के अर्थोपार्जन का केंद्र ही उनका सांस्कृतिक रूप है। इसके आगे वे न केवल संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, परिवेश की, बल्कि उसके आगे बढ़ते हुए यहाँ के नृत्य का भी उल्लेख करती हैं, जैसे मयूरी, गुसाड़ी, दप्पू, लंबाड़ी, पैरिनी, ठंडाव। यहाँ की जनजातीयता को जो सम्मान, जो स्थान आपने अपने इस पुस्तक में दिया है, निश्चय ही सराहनीय है। यहाँ की रंगम कन्या जहाँ एक ओर तकनीकी है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे विश्वास भी हैं जो यहाँ के समाज में व्यापित हैं। रंगम कन्या का जो वर्ष पर्यंत का भविष्यवाणी है उसको भी आपने प्रस्तुत किया है। और आप एक जगह पे यहाँ के संत परंपरा के बारे में बातचीत करते हुए कहती हैं, ये संत कवि स्वांत सुखाय अथवा मात्र स्वयं पर ईश्वर की अनुकंपा के लिए ही भक्ति नहीं करते थे, बल्कि इन्होंने अपने साहित्य को संगीत के माध्यम से लोक कल्याण के निमित्त लोक हृदय में प्रवाहित किया है। इसी अध्याय में वो कई ऐसे तेलंगाना मुक्ति संगठन के समय में नन्नू सिंह, सोएबुल्ला और नरसिंह राव के और सरोजनी नायडू से लेके भामाशाह, जीपुल्ला रेड्डी आदि सभी छोटे से लेके बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों का समाज के और राज्य के जो बनने में योगदान है उसको आपने उल्लेखित किया है। सबसे चटपटेदार वो वाकया है जहां आपने निजाम के सनकी रूप, मितव्ययी रूप और उदार रूप को आपने प्रस्तुत किया है, जहां वो 25 रुपए का कंबल मंगाने के लिए भेजते हैं और दूसरी ओर 1,00,000 का BHU के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए तुरंत दान कर देते हैं। ये वो व्यक्ति है जो हीरे का पेपर वेट रखता है, वह व्यक्ति जो हर जगह पे किफायत की बात करता है। और हमारे भारत सरकार को नया भारत जब बना था, 5 टन सोना ऐसे ही दे दिया और साथ में ये कहा उस लोहे के बक्से को भेज देना, और शास्त्री जी ने सचमुच में वो बक्सा भेज दिया था। ये संस्कृति बड़े चुटीले अंदाज में आपने उस निजाम के और यहाँ के संस्कृति को, राजनीतिक जो औदात्य है उसको भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये आपकी दृष्टि की ही सफलता है कि नवोदित राज्य तेलंगाना के जो विकास है, राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, उसको भी आपने कहीं से छोड़ा नहीं है। चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की बात हो, या फिर विवाह आदि से जुड़े हुए हो, या फिर स्त्री सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जाने वाले, जैसे आरोग्य लक्ष्मी योजना, कल्याण लक्ष्मी योजना, शादी मुबारक योजना, सारी योजनाओं को भी आपने उल्लेखित किया है। कोई ऐसा कोना नहीं है तेलंगाना के विकास में जिसे आपने छोड़ा हो। मॉडल स्टेट की ओर बढ़ते कदम की रूपरेखा को भी आपने इस अध्याय में प्रस्तुत किया है। हिंदी का जो रूप हमें आज प्राप्त होता है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद्वाज से शुरू करते हो आप, मिराजुल आशिकीन से और मुल्ला वधई के सबरस से लेकर आगे बढ़ते हो, और उस दक्कनी को अमानुल्ला, फकीरा, अब्दुल हाशमी, आज़ाद, रहमती, काशिम अली, सभी को आपने अपने उस पाठ में, उस पुस्तक में स्थान दिया है। महाराष्ट्र के संत, आप सबको पता है कि निजाम शासन महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि तक विस्तृत था, तो उस परंपरा को भी ना केवल तेलंगाना तक आपका विस्तृत रहा दृष्टिकोण, बल्कि उस परंपरा को भी आपने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। दक्षिणी हिंदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तक के विस्तार को मोहम्मद वली के परिनिष्ठित साहित्य तक का आपने जिक्र किया है। इसमें आप कहते हैं एक जगह पर, भाषा का इतिहास पूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता, इसी कारण हिंदी और उर्दू भाषा के वैज्ञानिक दक्षिणी हिंदी के अध्ययन के लिए समान रूप से अवलंबित रहते हैं। इसी भाषा को मुस्लिम साहित्यकार दक्षिणी उर्दू भाषा कहते हैं। और 5वें अध्याय में, ऐसे तो कुल 14 अध्याय में एक एक अध्याय का परिचय नहीं दूंगी, पुस्तक तो आपको मिलेगा, बस कुछ परिचय दे रही हूँ ताकि इस पुस्तक को प्राप्त करने की लालसा आप सब में बनी रहे और पूरी तरह से पढ़ने की लालसा बनी रहे कि आप अगर छोड़ेंगे इसको पढ़ने से तो क्या क्या आप वंचित रह जाएंगे कहाँ कहाँ। हैदराबाद में हिंदी साहित्य, पत्रकारिता, कविता, अन्य लेखन के क्षेत्र में दक्षिण के योगदान को आपने भव्यता पूर्वक स्थापित किया है। उन्होंने अजंता, अध्येय, अग्रधारा, युगमानस, संकल्य, पुष्पक,
पुष्पक साहित्यिकी, गोलकोंडा दर्पण, दक्षिण भारती, दक्षिण समाचार, कल्पना, ऐसे कई पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का नाम यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसका उल्लेख किया है, उसके आरंभ होने और हिंदी के विकास में उसके योगदान को बताने की कोशिश की है इस अध्याय में। उर्दू तेलुगु साहित्य पर एक दृष्टि में आप बताती है कि दक्षिण की स्थानीय भाषाओं की गरिमा को स्थापित करने में इस भाषा का अद्भुत योगदान है। सातवां अध्याय है जहां अहिंदी भाषी प्रदेश हिंदी लेखन के संदर्भ में लेखिका ने श्रेष्ठ तेलुगु हिंदी लेखकों का प्रभावी चित्रण किया है। मातृभाषा हिंदी हो और हिंदी सर्जना हो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, जब मातृभाषा तेलुगु हो और वो हिंदी में श्रेष्ठ रचना दे तो वो सच में श्लाघनीय कार्य होता है और उसको आपने कहीं से भी छोड़ा नहीं है। रामानंद हो या वल्लभाचार्य, पद्माकर हो या बाल शौरी रेड्डी, आपने सबको इस पाठ में स्थान दिया है, यथोचित उनका सत्कार किया है। अपने शब्द हर बड़ी बाधा लघु हो जाती है। आपका निजी जीवन भी साहित्यमय रहा, सामाजिक जीवन भी साहित्यमय रहा, सुंदर विचारों के पुष्प खिलते रहे हैं, परिवार का बगीचा भी सजा और समाज भी महका, और जब दोनों धरातलों पर आपके द्वारा सफलता अर्जित कर ली गई ऐसे में पुष्पक को प्रकट होना ही था। सृजन की आराधना करते हुए साहित्यिक गतिविधियों के लिए 1994 में कादंबरी का खुला लंबा बड़ा मंच तैयार हुआ। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैदराबाद चैप्टर का श्री गणेश हुआ। लोकप्रिय साहित्यकारों के मध्य नव अंकुर कवियों कहानीकारों को अपनी बात सुनाने का अवसर मिला। बालिका शिक्षा की प्रबल पक्षधर, नारी सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण साहित्य अनुरागी आदरणीय डॉक्टर अहिल्या जी की तीव्र इच्छा ऐसी पत्रिका प्रारंभ करने की थी जिसके माध्यम से हैदराबाद में अभी मेरा कोई वजूद नहीं है। मैंने कभी पठन पाठन में तो रहा, लेखन में मैडम मैं कभी नहीं रहा, और पता नहीं गवर्नमेंट ने मुझे क्यों चुना कि हिंदी निदेशक का जो है, हाँ, हिंदी अकेडमी का निदेशक बना दिया और कहा गया कि आप काम करो, और शायद अब जाके मेरा साहित्यिक काम शुरू हुआ है। मतलब जब जीवन की संध्या, या ये कहें कि मैं जब गवर्नमेंट की नौकरी में आखिरी 2 वर्ष या 1.5 वर्ष बचे हैं, तब मुझे जाकर ये बताया गया कि आप कुछ करो, जबकि जब मुझे करना था तब मैं कर नहीं पाया। अब शुभदा जी हैं, मुझे जानती हैं, रेखा जी हैं, मेरी अनुजा हैं, डॉक्टर अनुपमा जी और करण सिंह जी, तो और एक पत्रिका में दिया था इनविटेशन में, संक्षिप्त में बोलिए, और मुख्य आश्चर्य की बात है मुख्य अतिथि को जो है सबसे बाद में बुलाया जाता है, मैडम ने मुझे पहले बुला लिया। आशा करता हूँ ऋषभदेव शर्मा जी ने जो है गागर में सागर भर दिया। बहुत बार ये था, हिंदी में कहावत है कि हाथी के पाँव में सबके पाँव तो हाथी के पाँव में सबके पाँव, तो हम बोले तो बोले क्या और कहे तो कहे क्या। तो मैम अगली बार जब मुझे बुलाएं कभी भी नहीं, मैं ज्ञान के बारे में कह रहा हूँ, सिर्फ ज्ञान। तो कादंबरी क्लब का नाम मैं बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे किसने बुलाया ही नहीं, और जब बुलाया गया तो मुख्य अतिथि, अब मुख्य अतिथि बात करे तो करे क्या। सही में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए सब आप लोग नए हैं, मैं किसी को डीडी कॉलोनी शिवम रोड पर यह संस्था 1976 से 2020 तक थी। अभी बोवेनपल्ली बापूजी नगर रोड पर इस संस्थान का अपना भवन हुआ है और वहाँ पर ये संस्था अपना कार्य कर रही है। जब मैं यहाँ 2019 में स्थानांतरित होकर हैदराबाद केंद्र पर आया तो उसके बाद मुझे कादंबरी क्लब के बारे में जानकारी मिली, वैसे पहले भी मिली थी, क्यों कि पुष्पक साहित्य की जो पत्रिका निकलती है, हमारे यहाँ डॉक्टर राम निवास साहू जी थे, वो उसमें लिखते थे और उनके पास वो पत्रिका आती थी, और वे और मैं दोनों दिमापुर केंद्र नागालैंड में थे, तब उनके पास भी ये पत्रिका आती थी, मैं पढ़ता था और तब मुझे पता चला कि ये कादंबरी क्लब है। और जब मैं 2019 में यहाँ स्थानांतरित होकर आया तब राम निवास साहू जी की पुस्तक बड़का दाई जी का यहाँ पर लोकार्पण था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप आइए, और उस दौरान ही सभी विभूतियों का यहाँ
मुझसे परिचय हुआ और तब से अहिल्या मिश्रा महोदया भी मुझे विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित करती रहीं और मुझे जैसा भी समय मिला मैं इनके कार्यक्रमों में उपस्थित रहा। उनका कार्य जो है इस क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व है। हिंदी भाषी प्रदेश से आकर तेलंगाना में हैदराबाद में वे स्थापित हुई, अपने आप को स्थापित किया। बहु आयामी व्यक्तित्व उन्होंने अपना यहाँ स्थापित किया और यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई आगे की और यहाँ के जनमानस को जाना और यहाँ की जो साहित्यिक परिवार है उनसे जुड़कर उन्होंने अपने आप को और तेलुगु भाषी हिंदी भाषी और अन्य भाषी लोगों को भी अपने साथ जुड़कर इस कादंबनी क्लब के माध्यम से उन सबको एक सूत्र में पिरोया बांधा और अपनी माया उनको दी और उनके प्रेम से ये सभी आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे बहुआयामी प्रतित्व के धनी अहिल्या मिश्र जी को मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ मुझे यहाँ उपस्थित करने के लिए और उनको बधाई भी देता हूँ उनके 75वें वर्षगांठ पर।